बेटा गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। देखो उसके आज हम डिस्कस करेंगे इसकी एप्लीकेशन ऑफ कोलोइडल्स। कोलोइडल्स क्या क्या काम आता है देखो, तुम खुद तुम्हारी डे टू डे लाइफ में भी बहुत सारी जगह काम आते हैं। बताओ कोलोइडल्स कहाँ काम आते हैं, तुम खुद ही बताओ कुछ तो एप्लीकेशंस। बेटा फिजिक्स में भी पढ़ा होगा तुमने, छोटी क्लासेस में भी, ब्लू कलर ऑफ स्काई। बताओ स्काई का रंग, कभी हवाई जहाज में बैठे हो तुम? यस सर। एयरप्लेन में कौन बैठा है? देवेंदु। देवेंदु हवाई जहाज में बैठता है तो ऊपर से स्काई का रंग क्या ब्लू कलर का दिखता है क्या जमीन के जैसा ही? नो सर। तो क्यों दिखता है बता ऐसा? तू कभी राजस्थान में जैसलमेर में जाके देखना तो वहां पे बहुत ज्यादा गहरे नीले रंग का दिखेगा, तो ब्लू कलर ऑफ द स्काई। स्काई का ब्लू कलर दिखता है बेटा ड्यू टू स्कैटरिंग। किसकी वजह से दिखता है? वेरी गुड, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, सनलाइट को स्कैटर करते हैं। कौन करते हैं? बाय डस्ट पार्टिकल्स। तो रेगिस्तान में डस्ट पार्टिकल्स ज्यादा होंगे या नहीं होंगे? यस सर। तो इसलिए उसका, इसको क्या बोलते हैं हम, उसको रिले स्कैटरिंग भी बोलते हैं। फिजिक्स में आएगा ये तुम्हारे पास। क्या बोलते हैं उसको बेटा? रिले स्कैटरिंग। समझ गए? रिले स्कैटरिंग। उसके बाद साबुन की क्लीनिंग एक्शन को भी कह सकते हैं। डे टू डे लाइफ में बोलो तुम्हारे काम आता है नहीं भाई? क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। साबुन के अंदर मैंने बताया कि लो कंसंट्रेशन के ऊपर तो साबुन नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करता है, और 10^-3 से 10^-4 मतलब CMC क्रिटिकल मिसाइल कंसंट्रेशन, उसके ऊपर वो एग्रीगेट ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स बन जाते हैं ना मिसाइल। बेटा बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? सर आगे। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा। युक्ता डेल्टा क्या होता है? SST में पढ़ा होगा तुमने डेल्टा शब्द, सुना है बेटा कभी? सर समुंदर में होते हैं। शाबाश। कौन बोला? कौन बोल रहा है बेटा? सर वरुण। वरुण समुद्र में कैसे बनता है? वो नदी का जो पानी होता है, नदी का पानी कैसा होता है बेटा? देखो जो रिवर वाटर होता है समुद्र में जब बनता है ना, जब नदी समुद्र में मिलती है, तो रिवर वाटर में क्या होते हैं, रिवर पत्थरों से टकराती हुई रगड़ती हुई जब जाके पहुंचती है ना समुद्र में, तो फ्रिक्शन की वजह से बताओ रिवर के पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज डेवलप होगा या नहीं होगा? रिवर में चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, यस और नो? और रिवर में चार्ज पार्टिकल है। और समुद्र में क्या है? समुद्र में तो भंडार है। किसका भंडार है समुद्र में बताओ? सॉल्ट्स का। वेरी गुड। सी वाटर के अंदर लॉट्स ऑफ सॉल्ट। तो बताओ जब नदी समुद्र में मिलेगी तो क्या होगा इसके अंदर, बताओ बेटा? देखो जब चार्ज पार्टिकल्स, तो म्यूचुअल कोएगुलेशन, मैंने कल एक शब्द बताया था वो हो जाएगा, दैट इज व्हेन रिवर मीट्स। रिवर मीट्स सी वाटर। जब समुद्र के पानी में नदी मिलेगी तो क्या हो जाएगा बेटा? म्यूचुअल कोएगुलेशन होगा। ठीक है, या रिवर मीट्स, तो उसके अंदर जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं उनका, देन द सस्पेंडेड इंप्योरिटीज सस्पेंडेड पार्टिकल्स कोएगुलेट हो जाएंगे, और कोएगुलेट हो जाएंगे तो वहां पे जो जमीन जो है, जमीन है जो सी बेड है या जो सैंड एट नियर द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, सैंड नियर नियर द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट किसकी फॉर्म में हो जाएगी बेटा? वो
डेल्टा शेप की हो जाएगी वो, समझ गए? तो ये डेल्टा के अंदर कोलोइडल का रोल आया नहीं आया, बिकम्स डेल्टा शेप, दैट इज रिवर बेड। रिवर बेड राइजेस, रिवर का जो बेड है मतलब जहां पे वो मिट्टी है वो इकट्ठी हो जाएगी और ऊपर की तरफ उठ जाएगी और वो डेल्टा बन जाएगा। तो ये डेल्टा बताओ क्या काम आएगा? ये डेल्टा के अंदर जो मिट्टी होगी वो ज्यादा अच्छी होगी, फर्टाइल होगी या नहीं होगी? बेटा उसके अंदर बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स और सोल्ट्स आ गए ना, मिनरल्स, तो पौधों की ग्रोथ के लिए बताओ अच्छी होगी या बेकार होगी? अच्छी होगी, शाबाश। तो इसके अंदर मतलब मेन पॉइंट हम ये कह सकते हैं कि डेल्टा इज फॉर्म्ड, ये भी पढ़ा होगा तुमने एसएसटी के अंदर, डेल्टा इज फॉर्म्ड ड्यू टू सिल्टिंग। सुना है बेटा ये टर्म सिल्टिंग? एस्चुरी और डेल्टा सुना होगा ना एसएसटी में, ड्यू टू सिल्टिंग ऑफ एस्चुरी, वो पार्टिकल्स मिट्टी वहां से सी बेड उठ जाएगा। तो ये भी एक कोलोइडल की एप्लीकेशन है। देखो फोग, धुंध बनती है ना सर्दियों में, फोग मिस्ट क्लाउड्स, फोग मिस्ट क्लाउड्स, ये सभी क्या है? कोलोइडल है। देखो क्लाउड के अंदर जो बारिश का पानी होता है, बारिश के पानी को ऐसे कहते हैं ना हम, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। अरे बोलते नहीं बोलते? यस सर, यस। तो ये आर्टिफिशियल रेन कराने के लिए भी काम में आ सकता है। जैसे हवाई जहाज बादलों से ऊपर चली जाती है ना, उड़ती है जब, यस सर, तो जैसे कभी बारिश नहीं आए, तो बारिश नहीं आए तो क्लाउड्स के अंदर जो चार्ज है हेलीकॉप्टर ले जाके और बादलों के ऊपर अपोजिट चार्ज के पार्टिकल्स सोल्ट स्प्रे कर दो तो बारिश आ जाएगी, उसको आर्टिफिशियल रेन बोलते हैं। समझ गए बात? दैट इज क्लाउड्स आर दैट इज क्लाउड्स आर चार्ज पार्टिकल्स, क्लाउड्स चार्ज पार्टिकल्स होते हैं एंड आर्टिफिशियल रेन। अकर्स वेन सूटेबल सोल्ट वेन सूटेबल सोल्ट इज स्प्रेड ऑन ऑन क्लाउड्स, क्लाउड्स के ऊपर सूटेबल सोल्ट स्प्रे करेंगे तो म्यूचुअल कोएगुलेशन से फिर बारिश आनी स्टार्ट हो जाएगी। समझ गए बेटा बात? देखो फूड आइटम्स में भी होते हैं कोलोइडल, फूड आइटम्स में क्या क्या कहां से? क्या बेटा सर, ये सूटेबल सॉल्ट चाहेंगे कहां से? ये तो हेलीकॉप्टर में लेके जाएंगे अपन ऊपर, जैसे जिस क्षेत्र में बारिश नहीं होती वहां पे बारिश करवानी है, बहुत ज्यादा सूखा पड़ रहा है, बादल डेवलप हो रहे हैं वहां पे, जैसे हवा का प्रेशर नहीं हो रहा कि जिसकी वजह से प्रेशर डिफरेंस क्रिएट नहीं हो रहा जिसकी वजह से बारिश आनी चाहिए, तो ऐसे आर्टिफिशियल तरीके से करा सकते हैं हम। नेचुरल तरीके से कैसे होता है नेचुरल? तो बेटा अपने आप जब बादल टकराते हैं तो सभी बादलों के अंदर सेम टाइप के चार्ज पार्टिकल्स नहीं होते, देखा होगा ना बारिश के मौसम में बादल चलते हुए से दिखते हैं। यस सर। तो वो जब बादल आपस में, हवा चलती है तो वो बादल आपस में टकराते हैं, तो टकराते हैं तो उनमें कोएगुलेशन होगा, अपोजिट चार्ज पार्टिकल्स मिलेंगे, तो अपोजिट चार्ज पार्टिकल्स मिलेंगे तो बारिश आ जाएगी फिर नीचे। समझ गए? यस सर। फूड आइटम्स, हलवा, हलवा कोलोइडल का एग्जांपल है, फ्रूट जूसेस, फ्रूट जूसेस भी किसके एग्जांपल है? कोलोइडल के। और दूध, क्रीम, बटर एट्सेट्रा, ये सभी कोलोइडल है या नहीं है? बेटा बोलो, बात समझ में आई या नहीं आई? एकता चौधरी आ गई समझ में? यस सर। कोमल शर्मा,
यस सर। बेटा और बता कहाँ काम आ सकते हैं कोलोइडल्स? मेडिसिन्स में भी काम आते हैं। देखो एंटा एसिड सुना है, जब जैसे ऐसे कहते हैं पेट में एसिडिटी हो गई, वो मिल्क ऑफ मैग्नीजिया तुमने 10th क्लास में पढ़ा होगा, यस सर। तो कोलोइडल नहीं होता है। यूज्ड इन मेडिसिन्स लाइक मिल्क ऑफ मैग्नीजिया, मिल्क ऑफ मैग्नीजिया बोलते हैं हम मैग्नीजियम हाइड्रोक्साइड को। क्या होता है बेटा ये? एंटा एसिड। एंटा एसिड्स क्या होते हैं? अपने पेट में एचसीएल एसिड सेक्रीट होता है ना, तो जो एसिडिटी को कम कर दे उसको बोलते हैं हम एंटा एसिड्स। न्यूट्रलाइजिंग इफेक्ट जो वो हाँ करता शाबाश, है। उसको कम कर दे, मिल्क ऑफ मैग्नीजिया। ठीक है बेटा। एक होता है आरजी रोल। आरजी रोल देखो नाम से पता चल रहा है कि आरजी रोल किसका पड़ा हुआ होगा, सिल्वर सोल होता है ये, एजी सोल। यूज्ड इन आई लोशन, आंखों के लोशन के अंदर काम आता है ये। गोल्ड सोल, गोल्ड सोल यूज्ड इन इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस। दो टाइप के इंजेक्शन होते हैं ना। आईवी और आईएम। वेरी गुड। क्या हर्षित घर में कोई मेडिकल में है क्या? यस सर। क्या बोला बेटा? आईवी और आईएम एम। आईएम। शाबाश। आईएम मतलब इंट्रामस्कुलर, जो सीधे मसल्स में लगाते हैं, कंधे पे और हिप्स पे लगाते हैं, वो तो हो गया आईएम। और आईवी मतलब जो कैनुला लगा के लगाते हैं ना वेन्स के अंदर। बेटा सर। समझ गए क्या? ये एंटीमनी कोलोइडल, यूज्ड इन काला आजार। काला आजार एक बीमारी होती है, उसके अंदर काम में लिया जाता है बेटा ये। ये कोलोइडल्स का रोल इन मेडिसिन्स। ओके बेटा बोलो, समझ में आया नहीं है? अपना ब्लड, अपना ब्लड भी किसका यस एग्जाम्पल होता है? ब्लड भी कोलोइडल का एग्जाम्पल होता है। जैसे ऐसे कहते हैं ना, सेविंग के बाद वो फिट करी नहीं लगाते हैं, सेविंग करने के बाद। अरे बॉयज तो जानते होंगे बेटा, सेविंग के बाद वो पोटाश एलम लगाते हैं ना। यस सर। क्यों लगाते हैं पोटाश एलम? करी सर वो शायद इन्फेक्शन की वजह से। नहीं बेटा, इन्फेक्शन नहीं, वो पोटाश एलम जो लगाते हैं ना कट वो। वेरी गुड। कौन बोला, बोलना बेटा। कट लग जाता है तो उस पे लगाते हैं कौन बोल रहा है? ध्रुव। कट लग जाता है तो उसके ऊपर क्या करेगा वो ध्रुव? बेटा वो ब्लड को कोएगुलेट करवा देगा, समझ गए बात? अरे खून के अंदर तुम्हारे ब्लड में आयरन होता है नहीं होता है? सर आर्टिफिशियल क्लॉटिंग कर देगा। हाँ वेरी गुड। तो ब्लड के अंदर वो, उसको ये बोलेंगे हम, अरे क्या नाम है उसका, उसके लिए एक टर्म यूज करते हैं वो, एक बार एनसीआरटी में पढ़ना, शायद ऐसे होगा, स्टिप्टिक एक्शन। स्टिप्टिक एक्शन ऑफ पोटैश एलम इन क्लोटिंग ऑफ ब्लड। ब्लड की क्लोटिंग करवाने में हेल्पफुल होता है बेटा ये ब्लड के अंदर, समझ गए बात? उसके बाद टैनिंग ऑफ लेदर, ये टर्म सुनिए क्या, टैनिंग ऑफ लेदर? टैनिंग सुनिए सर। टैनिंग? टैनिंग नहीं सुना? टैनिंग तो सुना है सर, टैनिंग ऑफ लेदर नहीं सुना। बेटा टैनिंग का मतलब होता है हार्डनिंग ऑफ लेदर, हार्डनिंग ऑफ, जानवरों की जो खाल होती है वो सॉफ्ट होती है ना, तो उसको पीट पीट के हार्ड बनाया जाता है, उसको बोलते हैं टैनिंग।
मतलब टैनिन क्या होता है? टैनिन इज ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। टैनिन प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है बेटा। वो क्या होता है? विच इज अ मिक्सचर ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। वो बेंजोइक पॉलीहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड का मिक्सचर होता है टैनिन, ठीक है बेटा। तो वो क्या करेगा, जो एनिमल हाइड होती है ना उसके अंदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, ये सॉरी बेंजोइक एसिड वाले, ये बेंजोइक एसिड वाले कौन से होते हैं? नेगेटिवली चार्ज। और जो जानवरों की खाल होती है वो क्या होती है? एनिमल हाइड कंटेन एनिमल हाइड कंटेन्स पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। जानवरों की खाल में तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होंगे, और बेंजोइक एसिड कैसे हो गए? ये पॉलीहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड टैनिन के अंदर ये हो गए आपके पास नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। तो क्या हो जाएगा इससे बेटा बताओ? म्यूचुअल कोएगुलेशन हो जाएगा, प्लस माइनस मिलेगा जब। यस म्यूचुअल कोएगुलेशन अकर्स। Which results in mutual coagulation occurs, which results in hardening of leather. Leather की hardening करवा देगी बेटा। और nowadays chromium salts भी use में लिए जाते हैं in place of tannin. Nowadays क्रोमियम सोल्ट्स आर यूज इन प्लेस ऑफ टैनिन। टैनिन की जगह पे क्रोमियम सोल्ट्स काम में लिए जाते हैं। बेटा समझ गए बात? सर ये इससे हार्डनिंग कैसे हो जाती है? म्यूचुअल कोएगुलेशन होगा। नहीं सर वो तो ठीक है, मगर उससे हार्ड कैसे हो जाता है? बेटा जब म्यूचुअल कोएगुलेशन होगा तो पार्टिकल्स इकट्ठे होंगे, पार्टिकल्स इकट्ठे होंगे तो हार्ड नहीं हो जाएगा। यस सर। प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, वाटर की प्यूरिफिकेशन में भी काम आता है कोलोइड्स का रोल होता है। बताओ प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर में क्या होता है? जैसे मैंने बताया था ना उसमें एडजॉर्प्शन के अंदर पोटाश एलम के ऊपर इम्प्योरिटीज एडजॉर्ब हो जाती है। बेटा नहीं बोला ऐसे? अरे एडजॉर्प्शन की एप्लीकेशन में पढ़ा था ना। तो वाटर के अंदर क्या होता है? यहाँ पे वाटर के अंदर अगर कुछ मतलब डाल दे तो फिर वो उसमें जो पार्टिकल्स होगा वो उसकी सरफेस पे आ जाएंगे। वेरी गुड। नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वाटर में, तो जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं एलम के अंदर क्या होता है? एंड एलम, एलम में एल्यूमिनियम प्लस 3 पोटाश एलम K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस पोटाश एलम एल्यूमिनियम प्लस 3 कोएगुलेट करवा देगा उनको। वाटर के नेगेटिव पार्टिकल्स को एलम कोएगुलेट करवा देगा, कोएगुलेट करवा देगा तो सेटल डाउन हो जाएंगे वो। एंड सेटल अराउंड पोटैश एलम, उनको इकट्ठा करवा देगा तो वाटर प्योर हो जाएगा, नहीं होगा? बेटा बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? अरे बोलो भाई। Yes, sir. उसके बाद नेक्स्ट एलम को भी मिल्क के कोएगुलेशन के लिए यूज कर सकते हैं ना? किसको?
सर एलम को। नहीं फट जाएगा मिल्क तो फिर। यस सर, कोएगुलेट कराने के लिए। हाँ तो कोएगुलेट क्यों कराना है, फाड़ने दे रहे को, वैसे हो जाएगा वो। वो तो डिपेंड करता है तू बनाना क्या चाहता है उससे, मिल्क से बर्फी बनानी है, कलाकंद बनाना है, क्या बनाना है, ठीक है ना। नहीं सर, मतलब जैसे मिल्क को, मतलब जो फिर जो सिट्रस, जो भी सिट्रस आइटम होता है वो मतलब नेगेटिवली चार्ज होता है, मतलब पॉजिटिवली हाँ नेगेटिवली चार्ज सर। नेगेटिवली चार्ज हो करो। यस सर। बेटा बोलो, यहाँ तक समझ में आया नहीं आया ये। यस सर। एक यूज्ड इन सीवेज, सीवेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट सुना है नाम तुमने? यस सर। क्या होता है उसके अंदर? सीवेज वाटर भी कोलोइडल ही होता है बेटा, एक मतलब तरीके का। वेरियस प्रोसेस है तो उसको प्योरीफाई करते हैं, फिर उसको एज ए सप्लीमेंट यूज करते हैं किसी और चीज में। किसमें सप्ली, हाँ मतलब सप्लीमेंट क्या, वो सब में काम में ले सकते हैं, ड्रिंकिंग में भी काम में ले सकते हैं। सर उसके लिए तो ज्यादा प्योरीफाई कराना हाँ करना ज़्यादा करना पड़ेगा। पड़ेगा, मतलब जो सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ होती हैं, सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ का इलेक्ट्रोपोरेसिस करवा दो तो वो भी चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, तो उसका इलेक्ट्रोपोरेसिस करवाएंगे तो कोएगुलेट हो जाएंगी ना। इलेक्ट्रोपोरेसिस कोएगुलेट द इम्प्योरिटीज़, यस और नो? इलेक्ट्रोपोरेसिस इम्प्योरिटीज़ को कोएगुलेट करवा देगा बेटा। तो ऐसे डिफरेंट प्रोसेस की, फिर वो तो पीने के लिए, तो उसको मान लो आरओ के अंदर से पास कराएंगे, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के अंदर से पास करा देंगे बैक्टीरिया बैक्टीरिया को किल करने के लिए। लेकिन मेन अपना कोलोइडल केमिस्ट्री का क्या रोल हुआ, वो समझ में आ गई बात? यूज्ड इन इंडस्ट्री इन कोटरेल स्मोक प्रिसिपिटेटर्स, यूज्ड इन इंडस्ट्री इन कोटरेल स्मोक प्रिसिपिटेटर्स, स्मोक प्रिसिपिटेटर्स के अंदर काम में लिया जाता है बेटा ये। यूज्ड इन इंडस्ट्री इन कोटरेल स्मोक प्रिसिपिटेटर्स, ठीक है बेटा। कोटरल स्मोक प्रिसिपिटेटर क्या होता है होटल, ये मतलब क्या होता है? बेटा, ये फैक्ट्री के अंदर स्मोक को, जैसे एक तो स्मोक सीधी बाहर एनवायरनमेंट में एंटर होने से बचा देता है ये, नहीं समझे? जो जैसे स्मोक के पार्टिकल्स होते हैं, स्मोक पार्टिकल्स में मेनली क्या होता है, कार्बन होता है। यस सर। स्मोक पार्टिकल्स आर चार्ज्ड नेचर के होते हैं, तो उसके अंदर क्या करेंगे बेटा कि एक जो प्रेसिपिटेटर होता है वो इलेक्ट्रोपोरेसिस ही होता है। तो जिस जो इसके ऊपर जो चार्ज, स्मोक पार्टिकल्स आर चार्ज एंड ऑन प्रेसिपिटेटर हाई अपोजिट चार्ज पोटेंशियल इज अप्लाइड। हाई अपोजिट चार्ज पोटेंशियल इज अप्लाइड, तो हाई अपोजिट चार्ज पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, उसके अंदर पार्टिकल्स विल रिएक्शन हो गेट जाएगा। कोएगुलेटेड। देखो तुमने नीमराणा में ऑब्जर्व किया होगा, नीमराणा के अंदर जो जापानीज इंडस्ट्री है, जो जापानीज इंडस्ट्री है, यस उनके उनके ऊपर किसी पे भी चिमनी नहीं लगी हुई है ना बेटा, तो उनके अंदर कोटरल यस स्मोक सर, नहीं प्रेसिपिटेटर्स लगी होते हैं, हुई। वो स्मोक को प्रेसिपिटेट आउट कर देते हैं वहाँ पे। और बाहर जो कई जगह देखा होगा ना तुमने खेतों में, वो ब्लैक ब्लैक कलर का सा पाउडर पड़ा हुआ होता है, अपने स्कूल के आसपास भी होगा उसमें, तो वो जो ब्लैक कलर का जो पाउडर सा होता है वो ऐसे ही स्मोक प्रेसिपिटेटर्स की तरह प्रेसिपिटेट आउट किया जाता है उसको, समझ गए? फिर सर वो लैंड पोल्यूशन करता है ना। हाँ पोल्यूशन तो करता है बेटा, लैंड पोल्यूशन तो, एक तो एनवायरनमेंट में सीधा ही एंटर हो जाए लैंड पे तो फिर भी गिरेंगे वो पार्टिकल्स, यस और नो?
एक एक जगह इकट्ठे होकर हम उसको दबा सकते हैं। सर फिर वो काफी दिनों के बाद डिकम्पोज नहीं होता सर। नहीं, डिकम्पोज तो कैसे होगा बेटा? लेकिन सर्टेन एक्सटेंट तक पोल्यूशन तो कम हो गया ना बेटा। वो मतलब वो बायोडिग्रेडेबल तो होगा ही ना, मतलब डिकम्पोज तो हो जाएगा अगर लेड को तो, मतलब वो छोड़े अगर मर्क्यूरी और वो वैसे हाँ, तो वो एलिमेंट्स ना हो तो। डिकम्पोज करने के लिए फिर अलग से सोर्सेस यूज में लेने पड़ेंगे फिर हमारे को। यस सर। देखो लेट रबड़ इंडस्ट्री में लेटेक्स ऑफ रबड़ जो होता है, रबड़ का लेटेक्स कैसा होता है लिखवाया था ये मैंने, हमने स्टार्च गम जेलेटिन रबड़ नेगेटिवली चार्ज कोलोइडल है। रबड़ के पेड़ से रबड़ का मिल्क निकलता है ना, पढ़ा होगा। यस सर। बोलो बेटा। तो लेटेक्स नेगेटिवली चार्ज होता है तो एंस उसको इकट्ठा किया जाता है फिर, एंड इट इज कोएगुलेटेड कोएगुलेटेड बाय मिक्सिंग अपोजिटली चार्ज, अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड के अराउंड इसको सराउंड कर देंगे तो वो उसका कोएगुलेट करवा देगा लेटेक्स को, रबड़ को हार्ड बनवा देगा उस मिल्क को। समझ गए बेटे बात? एक फोटोग्राफी में भी काम आता है फोटोग्राफी। फोटोग्राफी के अंदर क्या होता है, सिल्वर ब्लोमाइड का सुना होगा ना, फोटो सेंसिटिव रिएक्शन होती है 10th क्लास में, AgBr टूट जाती है Ag प्लस Br टू में। 10th 11th में भी पढ़ा था। हाँ, तो AgBr जो होता है इसकी एक जेलेटिन फिल्म होती है, इज अप्लाइड ऑन फोटोग्राफिक प्लेट विच इज कोएगुलेटेड बाई हाइपोसोल्यूशन, उसको हाइपोसोल्यूशन से कोएगुलेट करेंगे। समझ गया बेटा? ये फोटोग्राफी। तो ये दीज आर द डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ कोलोइडल्स। बेटा बोलो क्लियर है यानी बात? यस सर। हाइपो सॉल्यूशन मतलब जैसे ये सोडियम थायोसल्फेट का सॉल्यूशन होता है बेटा, हाइपो सॉल्यूशन होता है Na2S2O3, सोडियम। सर वो स्मोक पार्टिकल्स, क्या बेटा बोल अर्षित? सर वो स्मोक पार्टिकल्स फेंकते हैं ना, वो ब्लैक ब्लैक कार्बन होता है जिसमें। हाँ बेटा, कार्बन भी होता है और भी टॉक्सिक एलिमेंट होते हैं उनमें। सर वो इंसनरेटर में नहीं हो सकते? किस में, कौन से सेपरेटर में बेटा? इंसनरेटर होते हैं ना सर बड़े बड़े, बेटा मेरे को नहीं पता क्या कहना चाह रहा है। वो इलेक्ट्रिक से चलते हैं सर बिल्कुल सर, उनको फनरल प्रोसेशन में यूज किया जाता है। हाँ बेटा वही तो होता है, ये जो क्वार्टरल स्मोक प्रेसिपिटेटर होते हैं उस टाइप के ही होते हैं ये। नहीं समझा बात? जैसे जो डस्ट यस पार्टिकल्स, सर। उसमें से डस्ट डस्ट को प्रेसिपिटेट कर लेंगे, जो गैस है वो एनवायरमेंट में बाहर निकल जाएगी, यस सर। उसी टाइप का ही होता है ये। हाई वोल्टेज लगा के अप्लाई करके उसको सेपरेट आउट करते हैं। समझ गया बेटा? अरे बोलो, समझ में आया नहीं आया भाई? यस सर। यस सर। 30 देखो, 9 9 जने निकल लिए, इतनी जल्दी टाइम कंप्लीट हो गया उनका।
इनका तो बढ़िया इलाज होगा, जब नंबर मिलेंगे तब इनको। बेटा ये है, दिस इज ऑल अबाउट कोलोइडल्स। नाउ नेक्स्ट देखो, इस चैप्टर के अंदर तीन पार्ट हैं, कोलोइडल्स, एडजॉर्प्शन और एक कैटालिसिस। कोलोइडल्स, एडजॉर्प्शन एंड कैटालिसिस। देखो बेटा, कैटालिसिस हमने कुछ पार्ट इसके अंदर केमिकल काइनेटिक्स में भी पढ़ा था। कैटालिसिस अर्जित क्या मतलब होता है कैटालिसिस का? मतलब कैटलिस्ट क्या होता है सर? रिएक्शन की स्पीड को जो तेज कर देते हैं और धीरे भी कर देते कैटलिस्ट हैं। कैटलिस्ट सर ये वो प्रोसेस होती होगी ना जिसमें तो वो कैटलिस्ट को ऐड करते हैं और फिर उसके जो रिएक्शन की जो रेट होती है उसको अटेन करने के लिए। हाँ बेटा, कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस विच स्पीड अप द रिएक्शन विदाउट अंडरगोइंग एनी चेंज इन इटसेल्फ। कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस है जो रिएक्शन को स्पीड अप कर देगा विदाउट अंडरगोइंग एनी चेंज इन इटसेल्फ। ठीक है बेटा। एंड दिस फिनोमिनन ऑफ कैटलिस्ट, मतलब इस रिएक्शन को, द एबिलिटी ऑफ अ कैटलिस्ट टू कैटलाइज द रिएक्शन इज नोन एज कैटालिसिस। एन एबिलिटी और फिनोमिनन of a catalyst to catalyze the reaction is known as catalysis। उसको catalysis बोलेंगे बेटा, समझ गए बात? अब देखो, कैटलिस्ट दो टाइप का कैटलिस्ट होता है, पॉजिटिव कैटलिस्ट बेटा बताओ, इसमें केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा था। देवेंदु बोल, पॉजिटिव और नेगेटिव कैटलिस्ट क्या होते हैं? मतलब एक तो जो स्पीड की रिएक्शन को है, एक्टिवेशन एनर्जी कम करके या फिर एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज करके और रेट ऑफ थ्रेशोल्ड एनर्जी इंक्रीज या डिक्रीज करके जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज। थ्रेशोल्ड एनर्जी तो जो है एक्टिवेशन एनर्जी की टर्म्स में ही बता सकते हो कि पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या कर देगा, लोअर्स डाउन द एक्टिवेशन एनर्जी बाय स्पीडिंग अप द रिएक्शन, लोअर डाउन एक्टिवेशन एनर्जी। Lower down the activation energy by speeding up the reaction। Activation energy को कम कर देगा बेटा, और ये क्या कर देगा? Activation energy को बढ़ा देगा। Increases the activation energy। By decreasing the increases the activation energy by decreasing the rate of reaction। Rate of reaction को ये क्या कर देगा बेटा? कम कर देगा। तो ऐसे जैसे अपन इसको graphically उसमें kinetics में भी पढ़ा था कि इधर यहाँ पे potential energy of reacted molecules होगी और ये rate of reaction, रेट ऑफ रिएक्शन, और इसको रिएक्शन कोऑर्डिनेट भी बोल सकते हैं।
देख बेटा, ये जो ब्लैक से बना रहे हैं हम, इतनी एनर्जी मान लो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास है, ये ब्लैक तो है इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, और ये जो ग्रीन है बेटा इन द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव कैटलिस्ट, और ये जो रेड है दिस इज इन द प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव कैटलिस्ट। ये तो नेगेटिव कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होगा, और ये पॉजिटिव कैटलिस्ट, और ये ब्लैक वाला बेटा दिस इज इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, बस इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट। ये काइनेटिक्स में किया था ना बेटा डिस्कस हमने। यस सर। बेटा बोलो, समझ में आई या नहीं आई बात? अब देखो फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक बताया था नेगेटिव कैटलिस्ट का एग्जाम्पल, H2O2 डिकम्पोज बहुत फास्ट होती है बेटा, तो इसके अंदर रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 कैन बी डिक्रीज। इसके रेट ऑफ डिकम्पोजिशन को हम डिक्रीज कर सकते हैं। कैसे डिक्रीज करेंगे? निकल डाल के। रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 निकल डाल के, नहीं बेटा निकल मैंने बताया था, गलती से निकल गई, वो तो हाइड्रोजनेशन प्रोसेस में काम लेते थे। तो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन कैन बी डिक्रीज बाय एडिंग नेगेटिव कैटलिस्ट लाइक ग्लिसरॉल डाल दो उसके अंदर, फॉस्फोरिक एसिड डाल दो, ग्लिसरॉल फॉस्फोरिक एसिड एसिटाइनलाइड, ये तीनों किसके तरह रोल प्ले करेंगे बेटा, ये एज ए नेगेटिव कैटलिस्ट, समझ गए? तो ये क्या करेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देंगे, तो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 क्या हो जाएगा बेटा, उसमें कम हो जाएगा, समझ गए बात? अरे बोलो भाई, समझ में आया नहीं आया? yes, बेटा समझ आया नहीं yes, आया क्या? वो देवेंदु कुछ बोलना चाह रहा है? yes. अपरा समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? यस सर। दीपांशु? हाँ सर। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? आ रहा है सर, समझ। अब देखो बेटा, कैटालिसिस दो टाइप का होता है, जो उसका एक्शन होता है होमोजीनियस होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। एक तो है बेटा होमोजीनियस और दूसरा क्या है, हेट्रोजीनियस। देखो होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, जब रिएक्टेंट और कैटलिस्ट सेम फेज में हो तो उसको बोलेंगे होमोजीनियस कैटलिसिस। व्हेन रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट आर प्रेजेंट इन सेम फेस, और हेट्रोजीनियस क्या हो जाएगा बेटा,
हेटरोजीनियस मतलब व्हेन रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फेज when reactant and catalyst are present in different phase, जब अलग अलग फेज में हो, सेम फेज में हो तो होमोजीनियस और अलग अलग फेज में हो तो हेट्रोजीनियस. देखो फॉर एग्जाम्पल देखो होमोजीनियस में फॉर एग्जाम्पल SO2 गैस प्लस O2 गैस इन द प्रेजेंस ऑफ ये एरो के ऊपर लिखा है ये है बेटा कैटलिस्ट NO गैस तो इससे क्या बन जाएगा SO3 गैस. तो बताओ सेम फेज में हो गए नहीं हुए. यस सर. देखो बेटा सारे रिएक्टेंट्स और कैटलिस्ट गैसियस फेज में है या नहीं है. Yes, sir. अब देखो हेट्रोजीनियस इसी के अंदर हम बता देते हैं हेट्रोजीनियस ये SO2 है प्लस O2 गैस इससे बनेगा SO3 गैस और यहाँ पे PT सॉलिड और डाइवेनेडियम पेंटाऑक्साइड V2O5 सॉलिड. तो बताओ इसमें अपोजिट फेज में हुए या नहीं हुए. अपोजिट फेज मतलब सॉरी अलग अलग फेज में. यस और नो. बेटा जब रिएक्टेंट्स और कैटलिस्ट सेम फेज में हो तो उसको क्या बोलेंगे हम होमो और अलग अलग फेज में होगा तो क्या बोलेंगे उसको हम हेट्रोजीनियस. एक इसके अंदर हम एस्टर्स की हाइड्रोलाइसिस रिएक्शंस पढ़ते हैं. ये एस्टर है ये लिक्विड है प्लस वाटर है ये भी लिक्विड है और इसके प्रेजेंस में हम एसिड लेते हैं कैटलिस्ट हम तो एसिड भी कौन सी स्टेट में होता है लिक्विड में तो क्या बन जाता है RCOH लिक्विड प्लस RSOH लिक्विड. बताओ सेम फेज में हुए नहीं हुए इसमें. ये ऑर्गेनिक में आएंगे बेटा ये रिएक्शंस जैसे अल्कोहल है अल्कोहल लिक्विड फेज में इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड ये भी लिक्विड फेज में होगा तो क्या बन जाएगा यहाँ पे इसमें बन जाता है ईथर 140 डिग्री सेल्सियस के ऊपर तो ईथर ईथर भी बनेगा लिक्विड फेज में तो सेम हो गया ना होमोजीनियस हो गया ये. बेटा बोलो क्लियर है या नहीं बात. यस सर. अरे समझ गए क्या. बेटा बोलो. यस सर. यस सर. H2O2 लिक्विड प्लस आई माइनस ये भी एक्वस और लिक्विड स्टेट के अंदर ही होगा तो ये क्या बन जाता है इससे H2O प्लस O2 प्लस आई माइनस तो ये देखो आई माइनस यहाँ पे कैटलिस्ट हो गया तो ये भी लिक्विड और ये भी लिक्विड तो दोनों क्या हो गए होमोजीनियस कैटलिसिस के एग्जांपल हो गया. ईथीन है अभी जो निकल बता रहा था ईथीन गैस है इन द प्रेजेंस ऑफ निकल सॉलिड और हाइड्रोजन गैस तो इथेन गैस बन जाएगा. बता बेटा कैटलिस्ट अलग है और वो अलग है. यस और नो. यस सर. एबर्स प्रोसेस नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन नाइट्रोजन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस तो क्या बन जाएगा इसके अंदर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के अंदर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के अंदर यहां पे लेते हैं हम आयरन ऑक्साइड Fe ऑक्साइड सॉलिड तो ये अमोनिया बन जाता है इसमें. बताओ बेटा ये हेट्रोजीनियस का एग्जांपल है या नहीं है. यस सर. ये अमोनिया का ऑक्सीडेशन ओस्टवाल्ड प्रोसेस के अंदर पीटी रोडियम गोज लेते हैं हम तो पीटी रोडियम गोज सॉलिड है ये एनो में ऑक्सीडाइज करवा देता है इसको
तो ये हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, जब सेम फेज में हो तो होमोजीनियस और अलग फेज में हो तो हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। समझ गया बेटा? Yes, अब देखो इसमें एक टर्म आती है प्रमोटर। गैस को प्रेशर डिक्रीज करके सॉलिड में बना सकते हैं? नहीं, वो क्यों करनी है, क्यों करना है ऐसा? नहीं सर, जनरल पूछ रहा था। नहीं, सॉलिड किसको सॉलिड में बना सकते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, दोबारा बोलना सर। किसी भी गैस को टेम्परेचर डिक्रीज करके और प्रेशर इंक्रीज करके सॉलिड में कन्वर्ट करा जा सकता है? हाँ, करा जा सकता है, लेकिन वो क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर ही होगा बेटा। क्रिटिकल टेम्परेचर जैसे मैक्सिमम मान ले क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे है तो उसमें प्रेशर तो कितना ही बढ़ाया जाए फिर भी वो लिक्विड में या सॉलिड में ट्रांसफॉर्म नहीं होगा। समझ गया? क्रिटिकल टेम्परेचर होता है मैक्सिमम टेम्परेचर अबव विच द गैस कैनॉट बी लिक्विफाइड, ऑल्सो एवर हाई में बी द प्रेशर, बताया था ना मैंने एडसॉर्प्शन में। यस सर, देखो बेटा, एक होता है प्रमोटर। प्रमोटर होता है अ केमिकल सब्सटेंस which promotes the reaction to happen, a chemical substance which enhances the catalytic activity, जो catalytic activity को enhance करते हैं उसको क्या बोलेंगे बेटा हम? promoter। फॉर एग्जाम्पल ये जो हैबर्स प्रोसेस थी इसको बोलते हैं हम हैबर्स प्रोसेस। तो इसके अंदर यहाँ पे मोलिब्डेनम लिया जाता है, मोलिब्डेनम इज यूज्ड एज अ प्रमोटर। समझ गए बेटा? जो कैटालिटिकल एक्टिविटी को प्रमोट करे तो वो तो हो गया प्रमोटर। और एक होता है पॉइजन। पॉइजन मतलब देखो नाम से पता चल रहा है, पॉइजन मतलब जहर। तो ये क्या कर देगा बताओ बेटा? प्रमोट नहीं करने देगा। दिस लोअर द कैटालिटिकल एक्टिविटी, कैटालिटिकल लोअर डाउन द कैटालिटिकल एक्टिविटी। एग्जाम्पल बेरियम सल्फेट, कार्बन मोनोऑक्साइड, आर्सेनिक एटसेट्रा, ये पॉइजन का रोल प्ले करते हैं। ये उसकी कैटालिटिकल एक्टिविटी को क्या कर देंगे बेटा? ये कम कर देंगे। समझ गए बात? और आर्सेनिक फ्रूट्स में काम आता है क्या? क्या बेटा? आर्सेनिक फ्रूट्स को पकाने में काम आता है क्या? फ्लूइड्स को सर? फ्रूट्स को नहीं बेटा, मैंने तो नहीं सुना है आर्सेनिक काम आता है। इथाइलिन तो हार्मोन तो सुना है, वो इथाइलिन जो होता है ना पाउडर की फॉर्म में होता है इथाइलिन हार्मोन, और बाकी आर्टिफिशियली कोई कंपाउंड हो तो मतलब मैं तेरे को ये भी नहीं कह सकता कि नहीं आता, बाकी मेरे हिसाब से पता नहीं, मैंने सुना नहीं है कभी। वो भी तो आर्टिफिशियल एक्सपेरिमेंटल यूज के लिए होता है, रेगुलर पर्पसेस के लिए भी नहीं होता है। हाँ, वैसे आर्सेनिक तो पॉइजनस होता है बेटा, मुश्किल ही होता होगा। ठीक है अर्षित, अब इसका जो मैकेनिज्म ऑफ कैटालिसिस है, मैकेनिज्म और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटलिस्ट, तो ये वो अपना पूरा कंप्लीट हो जाएगा कल। ओके, ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू।